भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले ही गेंदबाजी का निर्णय किया। भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने आते ही रन बनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन फॉर्म में नजर आए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 21 गेंदों का सामना किया और कुल 52 रन बनाए। इस मुकाबले में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए और 247 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भारतीय टीम के लिए इस प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिला। टीम इंडिया ने भुवनेश्वर कुमार को एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल किया। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने पहले टी20 मुकाबले में 19वां ओवर डाला था, जब से लगातार वह सवालों के घेरे में है। लेकिन भुवनेश्वर ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन का विकेट लिया। उन्होंने केएल राहुल के हाथों कैमरन ग्रीन को कैच आउट करवाया और उन्हें पवेलियन वापस भेजा। ग्रीन अगर पिच पर और ज़्यादा टिक जाते तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि भुवनेश्वर ने इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भुवनेश्वर कुमार अब टीम इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। खबर लिखे जाने तक उनके नाम टी20 में 85 विकेट हो गए हैं और दूसरे नंबर पर हैं उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी युजवेंद्र चहल, जिनके नाम 84 विकेट हैं। बता दें कि दोनों खिलाड़ी इस वक्त प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई देखने को मिल सकती है। क्या कुछ आपकी राय है भुवनेश्वर कुमार के शानदार रिकॉर्ड को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।